नमस्कार मित्रों सी सी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन हम कहानी विधा को लेकर के जो हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट विधा है और प्रेमचंद को आधार बनाते हुए कहानी विधा का वर्गीकरण किया गया और आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों की प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में जैनेन्द्र पर और यशपाल पर हमने बात की इसी काल के एक अन्य कहानीकार जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं वे थे इलाचंद्र जोशी जो 1903 में इनका जन्म हुआ और उन्नीस में मृत्यु हुई मनोविज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता माने जाते हैं जहाज का पंछी लज्जा मणिमाला भूत का भविष्य सन्यासी इनके प्रमुख उपन्यास रहे और इन्होंने मनोविश्लेषण की दृष्टि से मनोविज्ञान को केंद्र में रखते हुए अनेक कहानियों की रचना की इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं धूपरेखा दिवाली और होली रोमांटिक छाया आहुति खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ कटीले फूल लजीले कांटे और इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वे थी ड्रोगी मिस्त्री परित्यक्ता चौथे विवाह की पत्नी ये पाठक वर्ग में बहुत अधिक सराई गई इनकी कहानियां मनोविज्ञान को अपनी कला तथा साधना का मूल आधार बनाकर के मध्यवर्ग विशेष रूप से निम्न व्य वर्ग के मनोग्रह मनोविकारस्त व्यक्तियों की जीवनगत अनुभूतियों एवं कल्पनाओं का विश्लेषण करने वाले ये साहित्यकार रहे मानव के अहम भाव पर कुठाराघात करते हुए निर्भय पूर्वक जीवन की नवीन व्याख्या करने वाले कहानीकार हैं पात्र लेते मध्यम वर्ग से और मध्यम वर्ग से भी अधिक निम्न मध्य वर्ग के पात्र लेते और उनके भीतर जो कुंठाएं हैं उनके भीतर जो दमित वासनाएं हैं जो मनोविकार उनको घर कर गए हैं जिनके कारण वे अपना एक स्वाभिमान आत्मविश्वास खोते चले जा रहे हैं उसका यथार्थ चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से उपन्यासों के माध्यम से करते हैं और जो एक उच्च वर्ग है जो तथाकथित उच्च वर्ग है जो इन निम्न वर्ग के श्रम पर ऐशो आराम कर रहा है उस वर्ग की स्वार्थ लिप्सा पर कुठाराघात करते हैं और जीवन की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जीवनगत अनुभूतियों को कल्पनाओं का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले कहानी रहे हैं मनोविश्लेषण को साध्य मानकर चरित्रों का विकास तथा दमित वासनाओं और अवचेतन मन की जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की जो प्रक्रियाएं हैं उनका सूक्ष्म चित्रण करते हैं इनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म पारदर्शी दृष्टि रही है और ये मानते हैं कि जो वासनाएं जो कुंठाएं व्यक्ति के भीतर में है अवचेतन मन में है जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो जैसे वो विरेचन सिद्धांत है ना तो उनका विरेचन हो जाता है वे उन पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं तो मनोविश्लेषण के आधार पर ही ये पात्रों का विकास करते चले जाते हैं इलाचंद्र जोशी स्वयं कहते हैं कि जीवन के वास्तविक सत्य को सामने लाना एक कलाकार की वास्तविक प्रतिभा है शिक्षा प्रद या उपदेश प्रद कहानियां लिखने का समय अब लद गया क्योंकि इससे पूर्व प्रेमचंद युगिन कहानी या प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियां थी उनमें एक नैतिक शिक्षा देना एक उपदेश देना केंद्र में रहता था तो यह कहते हैं कि अब वे समय लद गया है अब उसकी आवश्यकता नहीं है अब आवश्यकता है जीवन के वास्तविक सत्य को जीवन के यथार्थ को सामने लाया जाए उसे प्रस्तुत किया जाए और जीवन का सत्य जब समाज के सामने आएगा तभी समाज में परिवर्तन होगा और इलाचंद्र जोशी ये भी मानते हैं क्योंकि जो मनोविज्ञानिक चित्रण करते थे चाहे वे अज्ञे थे या यशपाल आदि थे तो उन पर पाश्चात्य मनोविज्ञानिकों का प्रभाव मान लिया गया जैसे अज्ञे के लिए कह दिया जाता है कि उन पर फ्राइड का उन पर सार्थ का प्रभाव रहा है यशपाल के लिए कह दिया जाता है कि उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव है ऐसे ही इलाचंद्र जोशी के बारे में भी कहा जाता था कि वे अपनी कहानियों में उपन्यासों में पश्चिमी जो मनोविज्ञान वेता है उनसे प्रभावित तो होकर के लिख रहे हैं तो ये इस बात का विरोध करते हैं वे कहते हैं कि मेरे मनोविज्ञानिक सिद्धांत पूर्णतः अपने हैं और किसी पाश्चात्य मनोविज्ञान वेता से उधार नहीं लिए गए हैं किसी पाश्चात्य कथाकार की मनोविज्ञानिक शैली का अनुकरण भी सुधी और तटस्थ आलोचकों को मेरी कहानियों में नहीं मिलेगा जो अनुभूत सत्य मुझे अपने चारों ओर के जीवन की यथार्थता के संपर्क में आने से प्राप्त हुए हैं केवल उन्हीं का प्रयोग मैंने किया है। तो इस तरह से इलाचंद्र जोशी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे किसी पश्चिम का या किसी विदेशी मनोविज्ञान वेता का अनुकरण नहीं कर रहे हैं वे अपनी कहानियों के जो विषय हैं वो अपने जीवन के अनुभूत सत्य हैं, उनके परिवेश का सत्य है जीवन का यथार्थ है और जो इन्होंने स्वयं अनुभव किया है उसी परिवेश को उसी जीवन की सच्चाई को वे अपनी कहानियों में पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और वे स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि कोई किसी भी आलोचक को मेरे किसी भी पात्र में किसी भी विषय में किसी पाश्चात्य का कथाकार की मनोविज्ञानिक शैली का अनुकरण नहीं मिलेगा तो ये तो अभी हमने मित्रों बात की इलाचंद्र जोशी के बारे में ऐसे ही इस काल के एक सर्वप्रसिद्ध कहानीकार रहे अज्ञ सचिदानंद वात्स्यान अज्ञ जो कवि कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते प्रयोगवादी कवि रहे कविता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कहलाते हैं और पूरे इनके समकालीन कवि अज्ञेय से प्रभावित होकर के कविता लिखते हैं और अज्ञेय भी पुराने उपमानों को छोड़कर पुराने शिल्प को छोड़कर पुराने विषय को छोड़कर नवीन विषयों की बात करते हैं और इसीलिए पुराने उपमान मैले हो गए की बात करते हैं तो जैसे कविता के क्षेत्र में ये प्रयोग धर्मी कवि कहलाए नवीन प्रयोग लेकर के आगे आए हिंदी कविता जगत को एक नवीन दृष्टि प्रदान की उसी तरह से कहानी के क्षेत्र में उपन्यास के क्षेत्र में भी एक नवीन सोच लेकर के एक मनोविज्ञानिक यथार्थवाद को लेकर के कहानियों की रचना करते हैं पूरी कहानियों का ताना बाना एक मनोविज्ञान की दृष्टि से करते हैं जहां घटनाएं प्रधान नहीं है जहां विषय प्रधान नहीं है जहां चरित्र प्रधान है जहां व्यक्ति प्रधान है व्यक्ति की मनस्थिति, उसके मन के भीतर चल रहे द्वंद्व वो प्रधान है उनको उभारने का उनको सामने लाने का प्रयास करते हैं और फ्राइड के मनोविज्ञान का सार्थ के अस्तित्ववाद का तो पूरा प्रभाव इन पर रहा इनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में लिखते हैं क्योंकि पश्चिमी मनोविज्ञान का इन्होंने गहन अध्ययन किया और फिर अपने अनुभवों के आधार पर उसे कहानियों में प्रस्तुत किया इनकी प्रसिद्ध कहानियां कहानी संग्रह है विपतगा परंपरा अमर वल्लरी कोठरी की बात शरणार्थी जय दोल, ये मेरे प्रतिरूप ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे और जब इनकी चर्चित कहानियों की बात करें तो इनकी बहुत सारी कहानियां पठनीय हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अलग अलग चरणों में हमें दिखाई देती हैं, जहां निरंतर एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एक विकास क्रम दिखाई देता है प्रारंभिक कहानियों में एक अलग दृष्टि दिखाई देती है उसके आगे जैसे विकास को प्राप्त होते हैं तो एक अलग दृष्टि मिलती है तो इस तरह से इनकी कहानियों को हम चार चरणों में देख सकते हैं पहले चरण में विपथगा कैसेंड्रा का अभिशाप छाया कड़िया अमर वल्लरी ये इनके पहले चरण की कहानी है फिर इसी में ही आगे विकास को प्राप्त करते हैं कहानी का स्वर बदलता है और यहां दूसरा चरण प्रारंभ होता है जिसमें दारोगा अमीचंद पुलिस की सीटी हार सिंगार जिजी कहानी रोज या गैग्रीन कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानियां रही हैं ये जिजी विशा का भी पहले नाम जीवन की शक्ति था बाद में इन्होंने बदल करके उसको जिजी किया ऐसे ही पहले कहानी का नाम गैंग्रीन था और फिर बाद में प्रारंभ में जब ये कहानी प्रकाशित हुई तो गैंगरीन के नाम से हुई थी विपतगा में और बाद में इसी का नाम परिवर्तित करके रोज कहानी रखा गया ऐसे ही चिड़ियाघर सभ्यता का एक दिन ये इनके दूसरे चरण की चर्चित कहानियां रही हैं और तीसरा चरण जब हम देखते हैं तो वहां सांप्रदायिकता विरोधी कहानियों का स्वर दिखाई देता है बॉक्स कहानी शरणदाता कहानी ऐसे ही चौथे चरण में कहानियों का एक अन्य स्वर दिखाई देता है हिलीबीन की बतके मेजर चौधरी की वापसी जय दोल पठार का धीरज बड़ी प्रसिद्ध इनकी कहानी है और इनकी अंतिम कहानी हजामत का साबुन तो इस तरह से इनकी अनेक कहानियां चर्चित रही हैं एक कहानी की बात हम करते हैं जिससे आप अग्न जी की एक विषय को भी समझ सकते हैं और किस तरह से वे सांकेतिक बात करते हैं कैसे एक परिवेश का चित्रण यथार्थ रूप में करते हैं इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही रोज जिसका मैंने अभी बताया गैंग्रीन पहले नाम था गैंग्रीन होता है जब कोई घाव हो जाता है चोट है कोई घाव हो जाता है और वे घाव भरता नहीं है और वो नासूर बन जाता है और फिर जिस अंग में होता है उस अंग को काटने की नौबत आ जाती है तो वो गैंग्रीन है तो इस कहानी में कैसे एकल परिवार में संवेदनहीनता की स्थिति बनती चली जा रही है कैसे जीवन एक निरस्ता की ओर बढ़ता चला जा रहा है कैसे मनुष्य जीवन एक यांत्रिक जीवन बन गया है उनकी दिनचर्या एक यांत्रिक दिनचर्या बन गई है उसकी ओर संकेत किया गया कहानी बोलती कम है कहानी कहती कम है संकेत अधिक कर देती है कहानी की मुख्य पात्र मालती है उसके पति डॉक्टर हैं जो डिस्पेंसरी में यही गैंग्रीन का इलाज करते हैं और ऑपरेशन करते रहते हैं तो सुबह वो चले जाते हैं दो बजे घर में आते हैं और एक छोटा सा बच्चा है तो वो मालती जो अपने विवाह से पूर्व एक स्वच्छंद विचारों वाली एक चंचल तरह की लड़की थी जो गलत पर विद्रोह करने वाली थी विवाह के बाद कैसे परिवर्तित हो जाती है तो पूरे एक स्त्री विमर्श को चिंतित करती चित्रित करने वाली कहानी है कैसे जीवन एक ढरे पर चलता चला जा रहा है जिसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है सुबह उठ करके सात बजे से लेकर के और रात के ग्यारह बजे तक का एक पूरी दिनचर्या इस कहानी में दिखाई देती है इसलिए इसका नाम फिर आगे रोज रखा गया इसी तरह से जिजी विशा कहानी जीवन की शक्ति को लेकर के लिखी गई है तो आज्ञे की अधिकांशता कहानियां प्रतीकात्मक रही सांकेतिक कहानियां है वहां घटना की बहुलता नहीं है वहां परिवेश एक पात्र के रूप में आता है वहां पात्रों का मौन जो है वो अधिक बोलता है और सामान्य मध्यवर्गीय अभिजात सामाजिक जीवन को शरणार्थी के जीवन को पर्यटकों के जीवन को स्त्री पुरुषों के नैतिक संबंधों को लेकर के ये कहानियों की रचना करते हैं तो विभिन्न विषयों को लेकर के इन्होंने कहानियों की रचना की है और संदर्भ की अपेक्षा व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना को व्यक्त करने के लिए ये प्रयत्नशील दिखाई देते हैं हिंदी कहानी को आधुनिक बनाने का आधुनिक भाव बोध से जोड़ने का श्रेय वे भी अज्ञेय को जाता है कहानियां वर्णनात्मक नहीं है जैसे हम प्रेमचंद की कहानियां देखते हैं या उनसे पूर्व कहानीकारों की कहानियां देखते हैं वे वर्णनात्मक रही हैं उनमें घटनाओं की बहुलता रही है परंतु अज्ञय जी की कहानियां उनकी शैली वर्णनात्मक ना होकर के विश्लेषणात्मक रही है उनमें सांकेतिकता अधिक है सूक्ष्मतर बोध जो है वो व्यंजित होता है पात्रों के बाहरी ढांचे की अपेक्षा आंतरिक पक्ष को उभारना यह अज्ञे का उद्देश्य रहता है इनकी कहानियों की इसी विशेषताओं को देखते हुए इनके शिल्पगत नवीनता को देखते हुए मौलिकता को देखते हुए इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि इनकी कहानी कला प्रसाद परंपरा से भिन्न होते हुए भी इसी कोटी में रखी जा सकती है क्योंकि प्रसाद अधिकांशता इतिहास से जोड़ते हैं चाहे हम उनकी प्र... पुरस्कार कहानी देखते हैं आकाशदीप कहानी देखते हैं ऐतिहासिक कहानी रहे हैं रोमानियत को लेकर चलते हैं परंतु फिर भी इनकी कहानी कला अज्ञे जी की जो कहानी कला है वे प्रसाद परंपरा से भिन्न होते हुए भी उसी कोटि में रखी जा सकती है इनमें ना तो प्रसाद की भावमूलक तथा आदर्श मूलक दृष्टि है और ना ही नाट्यात्मक पद्धति कि जो प्रसाद में भावमूलकता दिखाई देती है जो एक आदर्श दिखाई देता है जो उसमें एक नाटकीयता दिखाई देती है वे अज्ञा की कहानियों में नहीं मिलती फिर भी ये प्रसाद की कहानियों की कोटी में ही रखी जा सकती है आगे चलकर वे कहते हैं कि अज्ञे की कहानी कला में बौद्धिकता तथा मनोविज्ञानिकता का गहरा पुट है और मनोविज्ञानिकता का स्वरूप सुगम संगीत का न होकर शास्त्रीय संगीत का है मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर आश्रित है बौद्धिकता के विकास में भी पाश्चात्य मनोविज्ञान का स्पष्ट प्रभाव है तो इस तरह से मनोविश्लेषणवादी, मनो को आधार बना करके सांकेतिकता को आधार बना करके शिल्प की दृष्टि से नवीन प्रयोग करते हुए अज्ञे की कहानियां एक आधुनिक भावबोध से जुड़ती हुई हमारे समक्ष एक नवीन रूप लेकर के प्रस्तुत होती है जो हिंदी साहित्य की कहानी विधा को समृद्धि प्रदान करती है अज्ञे जी के इस कहानी कला के कौशल को उनकी विशेषताओं को बताते हुए राजेंद्र यादव कहते हैं कि अज्ञे ने एक दृढ़ निर्भीक अड़िग और यायावर नायक ही हिंदी कहानी को नहीं दिया क्योंकि प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो निर्भीक नहीं है वो दब्बू है वो गरीबी की मार से पीड़ित है उनके पात्रों में एक विश्वास की कमी है उनके पात्रों में कहीं एक ढुलमुलपन भी है परंतु अज्ञे के जो पात्र है वो दृढ़ है निर्भीक है अडिग है यायावर नायक है केवल उनको ही नहीं दिया उसके विशिष्ट व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा को संयत गरिमा शैली को परिनिष्ठित भंगिमा शब्दों को सूक्ष्म अर्थसंस्कार और शिल्प को गंभीर सार्थक तराश भी दिए। तो यहाँ देखिए उन्होंने तराशना शब्द का प्रयोग किया है कि जैसे कोई कलाकार है वो मूर्ति को तराशता है ऐसे ही कहानीकार के रूप में अज्ञे भी अपनी कहानियों में पात्रों को तराशते चलते हैं उनकी कहानियों का विकास प्रौढ़तर मस्तिष्क की जीवन को अधिक से अधिक गहराई से जानने समझते और अभिव्यक्ति देते जाने की प्रक्रिया का लेखा है तो पात्रों का क्रमिक विकास होता चला जाता है जीवन के संदर्भ में उनके कहानियों का विकास एक प्रौढ़तर मस्तिष्क के रूप में एक अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता भी दिखाई देती है विचारों की प्रौढ़ता भी दिखाई देती है जीवन की एक गहराई भी इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलती है तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की कहानीकार के रूप में अज्ञेय की अब हम बात करते हैं इस काल के एक अन्य कहानीकार हुए भगवती चरण वर्मा 1903 में इनका जन्म हुआ है उन्नीस में इनकी मृत्यु हुई प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं कहानीकार हैं और ये सामाजिक उपन्यासकारों के रूप में उस परंपरा में प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं इन्हीं की परंपरा में आगे भगवती प्रसाद वाजपेयी आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क आते हैं विष्णु प्रभाकर आते हैं और उन्नीस में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया ये अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की व्यंग्यमयी प्रस्तुति करते हैं सामाजिक कहानीकार हैं समाज की समस्याओं को लेते हैं सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं परंतु उनकी शैली व्यंग्यमय रही है इनकी कहानियों में विश्लेषण की गंभीरता दिखाई देती है इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मोर्चा बंदी राख और चिंगारी इंस्टॉलमेंट। ये उपन्यासकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए इनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था चित्रलेखा जिस पर दो बार फिल्म बनी ये स्वयं भी फिल्म जगत में गए और फिल्मों के लिए कहानियों की रचना भी की इनका एक भूले बिसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते ये उपन्यास भी पर्याप्त चर्चित रहे इनकी कहानियों की बात करें तो जो इनकी कहानियां चर्चित कहानियां रही प्रसिद्ध कहानियां रहीं उनमें एक प्रायश्चित कहानी थी जो धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट करती है ऐसे ही एक अन्य कहानी इनकी है खानदानी हरामजादे जो राजनीतिक छिछलेपन का उद्घाटन करती है पराजय और मृत्यु कहानी है जो जीवन की पक्षधरता की कहानी है ऐसे ही शस्त्र और चिंगारी एक इनकी कहानी थी जो उत्तर दायित्व के बोझ तले पिस्ती एक युवती की दास्ता प्रकट करती है तो ये तो मित्रों हमने बात की भगवती चरण वर्मा के कहानियों की इसी तरह से जो यशपाल जिस परंपरा को लेकर के आगे आए यशपाल जिस मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर के कहानी उपन्यासों की रचना करते हैं उनका झूठा सच विभाजन की त्रासदी को लेकर बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था तो उसी परंपरा का अनुगमन हमें रांगे राघव में दिखाई देता है रांगे राघव ने हिंदी गद्य की सभी विधाओं में लेखन किया चाहे वे कहानी थी उपन्यास थे या निबंध है या रिपोर्टताज है या यात्रा वृतांत है हर विधा में आलोचना के क्षेत्र में हर विधा में वे लेखन करते हैं उनका बड़ा प्रसिद्ध रिपोर्टताज था तूफानों के बीच में उनका प्रसिद्ध रिपोर्टताज रहा जो बंगाल के अकाल को लेकर के लिखा गया इसी तरह से कब तक पुकारो इनका उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध रहा तो आलोचक के रूप में निबंधकार के रूप में कहानीकार के रूप में उपन्यासकार के रूप में संस्मरणकार के रूप में रांगे राघव जाने जाते हैं कहानियों की जब हम बात करें तो इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वे है साम्राज्य का वैभव देवदासी समुद्र के फेन अधूरी मूरत जीवन के दाने अंगारे ना बुझे इंसान पैदा हुआ अयाश मुर्दे ये इनके कहानी संग्रह थे और इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ रहीं जो पाठकों के बीच में बहुत चर्चित रही गदल धर्म संकट प्रवासी पंच परमेश्वर एक पंच परमेश्वर की रचना मुंशी प्रेमचंद करते हैं वे अलग कहानी है और एक पंच परमेश्वर रांगे राघव उसकी रचना करते हैं और रांगे राजघव जो है भले ही उन्हें हम प्रगतिवादी कह देते हैं भले ही हम उन्हें मार्क्सवाद से प्रभावित कर कह देते हैं पर वास्तव में हम उनकी जब कहानियां उनके उपन्यास आदि पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वे किसी स्वयं वे किसी वाद से नहीं बंधे ना किसी एक विधा से बंधे साहित्य में वे ना किसी वाद से बंधे ना विधा से उन्होंने अपने ऊपर मड़े जा रहे मार्क्सवाद प्रगतिवाद यथार्थवाद का विरोध किया उनका कथन सही था कि उन्होंने ना तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का आश्रय लिया ना प्रगतिवाद के चोले में अपने आप को यांत्रिक बनाया उन्होंने केवल इतिहास को जीवन को मनुष्य की पीड़ा को मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है उसे ही सत्य माना तो इस तरह से मित्रों अभी हमने बात की रांगे राघव की उनके उपन्यास उनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध रही इसी तरह से इस काल में उपेंद्रनाथ अश्क भी हुए यद्यपि उपेंद्रनाथ अश्क ने प्रेमचंद के युग में ही कहानी रचना करनी प्रारंभ की थी विष्णु प्रभाकर ने भी प्रेमचंद के युग में ही कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था परंतु प्रेमचंदोत्तर कहानियों का जिस तरह से एक शैल्पिक परिवर्तन होता है विषयगत परिवर्तन होता है वह है परिवर्तन इनकी कहानियों में भी हमें आगे दिखाई देता है तो इस तरह से मित्रों आज हमने प्रेमचंद उत्तर कहानीकारों में से जैनेन्द्र यशपाल अज्ञे इलाचंद्र जोशी और रांगे राघव आदि पर चर्चा की उन पर बात की आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे धन्यवाद